दोस्तों आज हमारे पास है लेक्सी LS430 2003 मॉडल है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि चेक इंजन लाइट ऑन है। अभी इसको चेक करते हैं कि ये चेक इंजन लाइट क्यों ऑन है। ये चेक इंजन लाइट ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है और चेक इंजन लाइट ऑन है। तो अभी हमने इसका कोड चेक किया, इसका कोड आ रहा है P01711P0174। ये टोयोटा गाड़ियों का बल्कि हर किस्म गाड़ी का ये कॉमन फेलियर है। सिस्टम टूल इन Bank 1 और सिस्टम टूल इन Bank 2, Bank 1 और Bank 2। इसका क्या मतलब है? राइट सिलेंडर और लेफ्ट सिलेंडर, ये दोनों तरफ से, क्योंकि ये V8 है, इसमें Bank 1 और Bank 2 आता है। V6 में भी Bank 1 और Bank 2 आता है। V4 में जो 4 सिलेंडर है उसमें सिर्फ एक Bank आता है, Bank 1। तो अभी लाइव डाटा को चेक करते हैं। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट टर्म फ्यूल टर्म Bank 1 और शॉर्ट टर्म Bank 2, लॉन्ग टर्म Bank 1 एंड लॉन्ग टर्म Bank 2। ये 4 चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। इसको, इस कोड को हम कैसे ट्रेस करते हैं? P01711 लीन कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम में हवा ज़्यादा है, पेट्रोल कम है। कंप्यूटर क्या करता है? पेट्रोल को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो इसका जो लॉन्ग टर्म है 27 है, 27 ये ज़ीरो होना चाहिए, या ज़ीरो होना चाहिए, या 5.0 होना चाहिए, 10.0 होना चाहिए, 27 है, ये लास्ट है। यानी कंप्यूटर ने इसके अंदर ये डिटेक्ट किया कि ये हवा बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर इसने फ्यूल 21% तक ज़्यादा किया हुआ है, 27% तक। और इसका जो शॉर्ट टर्म है, अभी हमने इसका जो जैसे ही इसका एक्सेलेटर दबाया ये नीचे आ गया। ये लाजिम 0.0 होना चाहिए, पहले भी ये भी 21% था, तो ये अभी नीचे आ रहा है। शॉर्ट टर्म अभी नीचे आ रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका कहीं पे हवा लीकेज है। अगर ये नीचे ना आए तो इसका फ्यूल इंजेक्टर बंद हो सकता है या एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म एक्सेलेटर दबाने से, इंजन का स्पीड बढ़ाने से नीचे आता है, तो इसका मतलब है कि इसका कहीं पे एयर लीकेज है। तो इसका अभी चेक करते हैं। ये इसका एयर फ्लो सेंसर है, एयर फ्लो सेंसर में भी मसला होगा तो यही कोड आएगा। लेकिन हम जैसे ही रेस पकड़ते हैं शॉर्ट टर्म नीचे आता है, कहीं पे लीकेज है, तो हवा का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। देखते हैं कि क्या मसला है। तो दोस्तों ये इशू था, किसी ने पहले इसके ऊपर टेप लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, बहुत ज़्यादा लीकेज है। तो इस वजह से P01711 और P0174 का कोड आ रहा था। तो दोस्तों हमारे पास कोड आ रहा था P01711P0174। इसका मतलब क्या है? LEAN लीन कंडीशन, Bank 1 और Bank 2, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सिलेंडर। अगर शॉर्ट टर्म 0.0 है और लॉन्ग टर्म 0.0 है, या 10+ माइनस ये चलता रहता है, तो गाड़ी बिल्कुल, इसका फ्यूल एवरेज बिल्कुल सही है। और अगर ये 15 है या 20 है, तो फिर ये अगर प्लस में है तो ये लीन कंडीशन है, और अगर ये
शॉर्ट टर्म नेगेटिव 15 है तो ये रिच कंडीशन है। रिच कंडीशन का मतलब है कि फ्यूल ज़्यादा जा रहा है और हवा कम है, यानी इसका जो फार्मूला है 14.7 × 1, तो ये मसलन 3 जा रहा है और ये 14 जा रहा है। तो जब इंजेक्टर लीक हो जाता है तो इसका या एयर फ्लो सेंसर ख़राब हो जाता है तो ये रीच में आता है। इंजेक्टर अक्सर लीक हो जाता है तो ये रीच कंडीशन में आता है। और ये कोड कब आता है, अगर गाड़ी का एयर फ्लो सेंसर ख़राब है या हवा लीक है या एग्जॉस्ट लीक है, तो फिर यही कोड आता है। वीडियो देखने का शुक्रिया।